हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि पॉलिटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। और मेल करते समय अपनी पीडीएफ जो अपनी ईमेल आईडी है वो देते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्टली दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग ईमेल आईडी के कारण हमारा जो मैसेज है वो आप तक डिलीवर नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कई डिफरेंट सोर्सेज से बोरोड है। तो इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ से हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। तो प्रीवियस वीडियोस में जो हमने इंडिया पॉलिटी की वीडियोस बनाई है उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाया है, तो वो वीडियोज़ प्लीज़ देखिए, उसी के बाद ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको कई चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा लंबे समय का वक्त लगा, जो कि था 2 years 11 months और 18 days। तो इतना सारा टाइम लगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने के लिए, बनाने के लिए। तो क्योंकि ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये पहली बार था जब हमारे इंडिया को नेसेसिटी हुई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक्सपीरियंस नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था वो अंडर द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश रूल था। तो इसलिए कोई भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो इस रीज़न के कारण जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत टाइम लग गया। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया और ये डायरेक्टली कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कई सोर्सेज से रीड किया है और बोरो किया है कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूजफुल थे। तो ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमने जो है अलग अलग कंट्री के साथ इससे जो हमारे को लगा कि सुटेबल है, जो हमारे कंट्रीज के पीपल की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे थे, वो हमने सोर्सेज वो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिए। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और एक डिटेल और लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे प्रोविजंस हैं उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि कई अदर कंट्रीज से बोरो किए गए हैं। और जो मेन जो जहाँ से बोरो किया गया है वो सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो प्राउडली क्लेम करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम हुआ है आफ्टर रेनसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो सारे जितने भी नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हैं उसको देखने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया गया है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो फिलोसफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो डिराइव किया गया है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली से। तो पॉलिटिकल पार्ट जो है वो डिराइव किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए, कई सारे सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। जो अदर प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो ड्रॉन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अब रशिया हो चुका है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और इन सब उसी जो कंट्रीज हैं उनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड है। तो कई क्रिटिसिज्म थे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं उन्होंने साफ क्लियरली ये डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो कहीं से कॉपीड नहीं है। तो इसके बारे में हम जितने भी सोर्सेज हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल नॉलेज देंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये देखिए, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको बताना होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो प्लीज़ ये जो टॉपिक है इसको ज़रूर कवर कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तभी हमने इसको कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं
सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सो सोर्स आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये मेजर सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और मेजॉरिटी ऑफ एरियाज जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो देखिए एक बात आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो आप वो मार्क करेंगे, बट अगर आपको पीपल ऑफ इंडिया भी ऑप्शन में दे रखा है तो आप मार्क करेंगे पीपल ऑफ इंडिया। देखिए जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे जो कि हमारा प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पहली लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो पीपल ऑफ इंडिया है वो मेजर सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पीपल ऑफ इंडिया नहीं दे रखा है, तब आप ये मार्क कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो मेजर सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें से कई सारे जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बोरो किए गए हैं, तो हम वो फीचर आपको बताएंगे। सबसे पहला फीचर आता है फेडरल स्कीम। देखिए फेडरल स्कीम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप 1935 जो एक्ट देखेंगे उसमें से लिया गया है। तो आप देखिए फेडरल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको बता दें कि जो वर्ड फेडरल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कहीं पर भी नहीं है, ये कहीं पर भी रिटर्न नहीं है फेडरल वर्ड, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो इंडिया है वो एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए फेडरल स्कीम जो है वो बोरो करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे 1935, उसमें आप देखेंगे कि एक आपको दिखाई देगा फेडरल जो सब्जेक्ट है, और एक जो आपको दिखाएगा प्रोविजनल सब्जेक्ट, और तीसरा कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट और जो हमारी प्रोविजनल लिस्ट है, ये तीनों लिस्ट उस टाइम पे थी। प्रोविजनल लिस्ट जो अब है प्रेजेंटली वो है स्टेट लिस्ट, और जो फेडरल लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। तो उसी एक्ट से ये फीचर बोरो किया गया है फेडरल स्कीम का। सेकेंड आते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है इसका जो प्रोविजन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। थर्ड पे हम आते हैं जुडिशरी पे, तो जुडिशरी भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरोड है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बोरो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से, और यहाँ से हमने जो SPSC है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बोरोड किया गया है। तो देखिए SPSC जो है वो ओरिजिनली उसको बोलते थे हम प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए उस टाइम पे स्टेट को बोला जाता है प्रोविंस, तो इस वजह से उस टाइम पे जितने भी स्टेट लेवल के जो कमीशन्स थे या सब्जेक्ट्स थे उनको हम प्रोविजनल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC जो था हमारा उस टाइम पे वो ओरिजिनली उसको हम फेडरल UPSC बोलते थे, सॉरी फेडरल PCS बोलते थे, और वो एस्टैब्लिश हुआ था 1919 एक्ट के। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो UPSC है जो उस टाइम का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो हमारा 1935 एक्ट से बोरोड नहीं है, वो 1919 एक्ट में ही ऑलरेडी मेंशनड है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से बोरोड है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से बोरोड है। तो ये जो कई फीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 जो कि मेजर सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ से ये सारे फीचर्स बोरोड है। नेक्स्ट पे हम आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो पहला फीचर आता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है दो टाइप की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम पहले पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इंडिया और इंग्लैंड में जो है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फ्रेंच और अमेरिका में जो है वहाँ पर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए पहले हम बताते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो जब हमारा अडॉप्शन का टाइम था तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहते थे, क्योंकि जो इंडिया है वो ऑलरेडी ब्रिटिश रूल के ब्रिटिश द्वारा रूल करी गई थी, और जो ब्रिटिश है उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा था। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग द न्यू वन हमने चूज किया कि हम एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अपना सोर्स लें, और इसी वजह से जो कई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट करें। तो इस वजह से जो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेड है। तो कई कंट्रीज में जो है मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, उसमें जो है आर्मी द्वारा जो है गवर्नमेंट रूल करी जाती है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है अमेरिका में। तो ये डिफरेंस है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जिसको हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमने आपको बता दिया है कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट आता है आइडियाज़ ऑफ सिंगल
सिटीजनशिप। तो देखिए आइडियाज ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इसलिए लिया गया क्योंकि इंडिया और यूके जो है उनके पास सिंगल सिटीजनशिप है, और दो वी आर गवर्न बाय टू डिफरेंट गवर्नमेंट, सिटीजन्स आर इंजॉइंग स्टेटस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो देखिए हम एक ही दो गवर्नमेंट के द्वारा जो कि यूनियन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है उनके द्वारा रूल किए जा रहे हैं, बट जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के वो एक सिंगल सिटीजनशिप जो है इंजॉय करते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी है, जो ब्रदरहुड है, उसके कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है उसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिया गया। तो इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये हमारी स्लोगन है हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की। तो सिर्फ एक स्टेट है जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर है ड्यूअल सिटीजनशिप। तो देखिए क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, इस वजह से वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और आर्टिकल 370 में आप पढ़ेंगे कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, तो इंडिया कंट्री है जहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, आप यही जानेंगे कि हम इंडियंस हैं। देखिए यूएस जो है वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पर जो कंट्री के मेंबर्स हैं वो अपने स्टेट को भी अपना नाम लेकर बोल सकते हैं, लाइक अपने कि वो यूएस के इस स्टेट के सिटीजन्स हैं और यूएस के सिटीजन्स हैं। तो दो सिटीजनशिप हैं उनके पास, लेकिन जो हमारे इंडिया है वहाँ पर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। तो देखिए नेक्स्ट आता है आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ जो है वो भी बोरो किया गया है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आर्टिकल 14 में आप पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, उसमें आपको रूल ऑफ लॉ के प्रोविजन दिखाई देंगे। तो एवरी पर्सन जो है माई कंट्री का वो इक्वल है बिफोर द लॉ, और जो पर्सन है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल विल बी ट्रीटेड इक्वली एक्सेप्ट फॉर प्रेजिडेंट्स ऑफिस एंड गवर्नर्स ऑफिस विच इज अबव द लॉ। तो देखिए एवरी पर्सन जो है हमारी कंट्री का वो जो है इक्वल है बिफोर द लॉ, तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और जो गवर्नर का ऑफिस है वो ही उनके लिए ही कुछ स्पेशल प्रोविजन्स हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैंशनड है। तो रेस्ट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भले ही हमारे यूनाइटेड स्टेट से लिया है, यूनाइटेड स्टेट हम आगे पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट से हमारा जो फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है वो बोरो किए गए हैं, बट स्टिल जो रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 है वो हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उसका सोर्स लिया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है बट ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। कुछ फीचर्स जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को, उन्होंने किसी और सोर्सेज से भी बोरो कर लिए। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो देखिए ये भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम और रिट्स और बाइकैमरलिज्म, तो ये सारे जितने भी जो भी सोर्सेज हैं वो हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। देखिए बाइकैमरलिज्म जो है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि दो हाउसेज प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में। तो जहाँ जिस स्टेट में दो हाउसेज प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म स्टेट। तो ये जो है ये फीचर भी लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए कैबिनेट सिस्टम जो है, देखिए एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट से लिया जाता है। कैबिनेट जो है उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, और ये स्मॉलर बॉडी है, इसमें कई बहुत कम मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो ये फीचर भी बोरो किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए कई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो बोरो किए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मेन हमारा जो प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल, वो बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पहली कंट्री थी जिसने प्रीएम्बल को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और वहीं से हमने लिया है अपना प्रीएम्बल। तो देखिए ये प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और आगे की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। देखिए फंडामेंटल राइट्स ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 उसको बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है,
तो उसमें वो बोरो किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हैं, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड हैं। तो आपको याद रखना है ये फंडामेंटल राइट्स बोरोड है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड होते हैं थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक स्पेशल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। और जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका टेन्योर है 5 ईयर्स का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का वो प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म जहां से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिमूव किया जा सकता है, रिमूव या इम्पीच किए जा सकते हैं। तो टिल नाउ कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्पीच नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक स्पेशल प्रोसीजर मैंशनड है जिसमें हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट के बारे में लिखा गया है। और ये प्रोसीजर लिया गया है, इसका सोर्स जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो देखिए जो नो इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन इन द जजमेंट ऑफ द जुडिशरी। तो वी मे क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर, बट सिंस बिगनिंग जुडिशरी इज मेकिंग इट्स प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड गिविंग जस्टिस विच इज़ ब्यूटी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो देखिए जुडिशरी जो है उसको एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस दे रखी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर से, तो इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको जुडिशरी जो है वो क्रिटिसाइज कर सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट से ये फीचर बोरो किया गया है। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए अगर कोई भी लॉ जो है वो वॉयलेटेड है या फिर पीपल को हार्म कर रहा है तो जुडिशरी जो है उसको उस लॉ को नलीफाई कर सकती है। तो लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे जो फेडरल वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मैंशन नहीं है, ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं पर भी ये वर्ड मैंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो देखिए इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ जो है वो भी मेंशन किया गया है, वो भी लिया गया है उसका सोर्स यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का एक स्पेशल प्रोविजन मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, उनके बारे में आप उस चैप्टर में पूरी आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी। अभी आपको याद रखना है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है उसका फीचर लिया गया है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं हमारी कंट्री के, वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हूएवर इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए प्रेजेंटली जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, वो अब बन चुके हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए हम इलेक्ट नहीं करते हैं, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो द एक्स ऑफिसो जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो बन जाते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। आपको सारे फीचर्स नोट डाउन कर लेने हैं, वरना आप पीडीएफ लेकर आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से लिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जितने भी पॉलिसी जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं, और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो गाइडलाइंस रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, और डी जो है वो डायरेक्शंस है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जब पार्ट 4 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपको डीपीएसपी के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो हैं उनको नॉमिनेट करने के लिए जो प्रोविजन लिया गया है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नॉट मोर देन 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उनकी जो स्पेशल फील्ड्स है वो है साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो 12 मेंबर्स से ज़्यादा नॉमिनेट नहीं किए जाते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स के लिए।
तो ये बात आपको याद रखनी है। दो मेंबर्स जो हैं लोकसभा के, लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो लिया गया है, उसका जो प्रोविजन है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो इंडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हमारे इंडिया में थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उसका जो मेथड लिया गया है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। तो डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तीनों जो सोर्सेज हैं वो लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है वो लिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जो ये तीनों आइडल्स जो हैं वो लिखे गए हैं हमारे प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल जब आप पढ़ेंगे उसमें ये तीनों आइडल्स आपको मिलेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो है रिपब्लिक। तो देखिए रिपब्लिक जो है, जो हमारे हेड ऑफ द नेशन जो कि प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं जिस कंट्री में, तो उस कंट्री को हम बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री। तो देखिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, सॉरी जो हमारे इंडिया है, उन्होंने इलेक्ट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो उस दिन को हम मनाते हैं एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और जो रिपब्लिक का फीचर है वो बोरो किया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और दूसरा जो है पब्लिक, वो बोरो किया गया है। ये दोनों फीचर्स बोरो किए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरोड है उसके बारे में, तो देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये बोरोड है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तीनों लिस्ट हैं। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो बोरोड करी गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जब भी कोई डेडलॉक होता है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में, जैसे कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके बीच में जब भी कोई डेडलॉक आता है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक जॉइंट सिटिंग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में। तो वो जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, उसका जो फीचर है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बात आपको याद रखनी है। फोर्थ है कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये चारों फीचर्स जो हैं वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का फीचर लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको याद रखनी है। तो देखिए इंडिया जो है वो एक ट्रू फेडरेशन नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द इमरजेंसी और एबनॉर्मल केसेस, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब भी अगर आपकी जो है स्टेट इमरजेंसी लागू होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ले लेती है। इसलिए जो इंडिया है वो एक पूरी फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन नहीं है, वो एक क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो फीचर है ये लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए तीन लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो है वो पार्लियामेंट की है, स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर की है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों की है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर की। तो अगर कोई भी न्यू सब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाता है, और उसके बाद उसको यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में प्लेस किया जाता है। तो ये इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग जाता है। टिल देन जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट को दी जाती है, और उसके बाद जो पावर ऑफ जो एंड दैट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल पावर। तो ये जो पावर जो पार्लियामेंट को दी जाती है उस पावर को बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर। तो ये जो पावर ली गई है, रेसिड्यूअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फीचर बोरोड किया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में से। तो देखिए आपने, अब हमने आपको बताया है कि रेसिडियरी पावर क्या होती है, तो ये प्लीज दिमाग में रखिए। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो देखिए जो स्टेट गवर्नर्स जो कि सेंटर में अपॉइंट होते हैं, वो फीचर भी लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एक बात आपको बता दें कि जो यूएसए के जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, वो इलेक्ट होते हैं, लेकिन इंडिया के जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो इंडिया के गवर्नर्स हैं वो इलेक्ट नहीं होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। तो इसका जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर का जो फीचर है वो लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम आते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो फीचर है वो भी लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए जो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एडवाइस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जो सॉरी गलत हो गया, देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो है एडवाइज, उसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, चारों फीचर्स: अ क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेसिडरी पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये चारों फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट हम आते हैं सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट, जो USSR का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उससे कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो बोरो किए गए हैं. एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज. तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये 1976 में इंसर्ट हुआ है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट. तो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इसके रिकमेंडेशन दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करी गई. तो ये आपको याद रखना है, इसका फीचर बोरो हुआ सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट हम आते हैं आइडल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल. तो अगर आप हमारा प्रीएम्बल पढ़ेंगे या पढ़ा हो तो उसमें आप देखेंगे कि आइडल्स ऑफ जस्टिस मेंशन है, जो कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ये आपको सीरीज वाइज ही याद रखना है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों जो हैं ये फीचर्स जो हैं ये बोरो किए गए हैं सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल, ये फीचर्स बोरोड हैं सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट हम आते हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है. तो देखिए यहाँ से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर एमरजेंसी बोरो किया गया है. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एमरजेंसी के टाइम पे जो हैं सस्पेंड किए जा सकते हैं. तो ये फीचर बोरोड है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये जो फीचर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, ये बोरोड है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट आता है इसका इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. देखिए अभी हमने आपको प्रीवियसली जो बताया था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा का बताया था कि 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं. तो देखिए इलेक्शन प्रोसीजर जो है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का वो बोरोड है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से. तो आपको याद रखना है जो राज्यसभा है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, और वहाँ जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स है राज्यसभा का, ये फीचर बोरोड है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, इसका जो सोर्स है वो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको याद रखना है ये. तो ये थे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज से लेकर. तो ये इंपॉर्टेंट है आप ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए. तो अगर आपने ये चैप्टर प्रीवियसली नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. कभी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले से ही आपका प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है. तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए हों, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हैं, हम सीधे उसको सॉल्व करेंगे. और अगर आपने वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बताना है कि जो रिपब्लिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सी कंट्री से बोरोड है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है. तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपने वीडियो अच्छे से ध्यान से पढ़ा है. तो अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें. और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे. ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपके लिए, आपको कुछ भी कॉस्ट पे नहीं करना है. आप हमारा फेसबुक पेज स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है tutorialstudy@gmail.com. आप इस पर भी कोई भी क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स. ये वीडियो यूजफुल है एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंकिंग एनटीपीसी एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे. सो थैंक यू एवरीवन.